ये जाने पहले तो प्लांट भीतर जाएंगे बोलो ये डुडुमा वाटरफॉल है। डुडुमा वाटरफॉल आप चारों तरफ से देख सकते हैं, पहाड़ है आपको, शायद ये पानी ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा, ये झरना नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झरने हैं जो कि 2-3-4 ऐसे झरने हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला जो है हम लोग का माचकुंड हाइड्रो डैम के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक स्पोर्ट्स पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 3-4 वाटरफॉल और कितना बड़ा खाई है यहाँ पे, और उसके हिसाब से कितना बड़ा खाई है और हर जगह पानी फ्लो होके जो जाता है एंड पॉइंट पे जहाँ मिलता है वहाँ पे, मतलब एंड पॉइंट पे जहाँ पे मिलता है वहाँ पे माचकुंड हाइड्रो प्लांट का एस्टैब्लिश हुआ है और वहाँ से करंट जनरेट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। हम लोग पूरा पत्थर पहाड़ के ऊपर से होके नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा एक व्यू पॉइंट पे जाएंगे तो सारा व्यू पॉइंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी भी है जो कि 750 सीढ़ी है, तो वहाँ तक जाना मुझे नहीं लगा कि हम लोग जाके आ सकते हैं, पर एक छोटा सा रास्ता हमें मिला है जो अंदर तक हमें ले जाएगा, तो वहाँ तक अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पहुँच के आपको फिर दिखा रहा हूँ। हाँ तो जीवानी न जीबा जीबा ओ माय गॉड हब आसिए तो अभी हम लोग आके थोड़ा नीचे पहुंच गए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और बीच में से पानी निकल के जो जा रहा है, ये चीज़ ना देखने के लिए इतना खूबसूरत लग रहा है जो मैं बता सकता हूँ, पर आपको शायद कैमरे में वो चीज़ ना दिख रहा हो। और यहाँ से पूरा खाई पहाड़ के ऊपर हम लोग थे और उस वहाँ से फिर से खाई, इतना खाई कि पूछो मत। तो अंदर और मैं जाता नहीं हूँ और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे भी शायद बारिश के दिन में पानी जाता होगा, यहाँ पे फ्लो से पता चल रहा है। मैं पूरा अभी पानी तक आ गया हूँ, पानी के पास से आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है ये चीज। वाव और ऊपर देखिए, ऊपर मेरे घर वाले ऊपर वहां से आ रहे हो, शायद यहाँ से नजर नहीं आ रहे होंगे कैमरा से, वो पूरा पहाड़ के ऊपर है और मैं बीचों बीच में आ गया हूँ, और इसके नीचे भी है और आप देख सकते हैं 1-2-3-4 वाटरफॉल मेरे सामने है। पास का ये डुडुमा का वाटरफॉल ब्लॉग यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं अपने कोई दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से ट्रैवल वीडियो उड़ीसा के बाहर टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में इस चैनल में आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।